चैनपुर में रौतिया समाज के द्वारा भू माफियाओं के खिलाफ पिछले दिनों जमकर आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस दौरान समाज के लोगों ने 5 भू माफियाओं का पुतला भी दहन किया गया था। इस समाचार को चैनपुर के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी, जिसके बाद से भू माफिया बौखला गए हैं। ये खबर छापना पत्रकारों को मनहगा पड़ रहा है। चैनपुर के कई पत्रकारों को आए दिन धमकी भरा फोन आ रहा है। भू माफियाओं के द्वारा रौतिया समाज के लोगों का 50 एकड़ जमीन को दलालों ने अंचल कर्मियों की मिलीभगत से फर्जी तरीके से लिखवा लेने मामले को झारखंड कांग्रेस प्रदेश कमेटी ने भी संज्ञान में लेते हुए 7 सदस्यीय कमेटी गठन कर जांच करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के निर्देश पर कमेटी का गठन किया गया है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को टीम के सभी 7 सदस्यों ने चैनपुर पहुंच फर्जी रजिस्ट्री में मृतक के परिजनों से मिलकर शोक सांत्वना व्यक्त करते हुए पीड़ित परिजनों के साथ खड़े रहने की बात कही। जैसा कि हम लोग तो सोच रहे थे कि एक ही परिवार के साथ ऐसा किया गया है, पूरे गांव के गांव जो छतरपुर के हर एक व्यक्ति के साथ इसी तरह का घटना घटित हुआ है। यहाँ के लोग बिल्कुल विवश हो गए हैं, जिस तरह से यहाँ भू माफिया और अफसर की मिलीभगत से घर तक को लोग बेच दे रहे हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, हमारे जो टीम आई हुई है, मैं पीड़ित परिवार के साथ मिल रहा हूँ, ये तो एकमात्र उदाहरण, ऐसे कई मामले हैं जो हमारे सामने आया है। इस संबंध में अभी तत्काल हम लोग संबंधित पदाधिकारी CO, PDO, SDO, DC से हम लोग मिलेंगे और तत्काल इस परिवार को मदद करने के लिए हम लोग निवेदन करेंगे। और जो इस कृत्य में सम्मिलित हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम लोग मांग करेंगे। यदि नहीं सुनी जाती है, नहीं कार्रवाई होता है, तो कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक प्रस्ताव के रूप में इस मुद्दा को लिया हुआ है कि जो भी शोषित पीड़ित लोग हैं उनके साथ खड़े होकर जो भी कार्रवाई करना पड़ेगा हम लोग उसको करने के लिए तैयार। आज हमारे बीच में हम लोग 7 सदस्यीय कमेटी यहाँ आया हुआ है, जिसमें हमारे सम्मानित पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रघुनंदन प्रसाद जी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष बड़े भाई चुमनू राव जी हैं, चैनपुर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष भाई निरंजन बाड़ा जी हैं, बड़े भाई खांडू भगत जी हैं, हमारे बीच में हम लोग विधि जानकारी भी लेने के लिए हम लोग अपने बीच में एक भाई वकील हैं अरुण कुमार जी, हमारे पार्टी के लीगल एडवाइजर हैं, हमारे बीच में मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे सम्मानित सभी गांव के बुजुर्ग हैं, सभी ने एकदम बिल्कुल गंभीरता से एक एक बिंदु पर गहनता से पूछताछ किया है। और जो तथ्य सामने आया है ये बहुत ही निंदनीय और दुखद, जितने भी कड़ी निंदा की जाए वो कम। पर लगभग कितना जमीन आपके सामने आया कि लगभग दलाल के द्वारा बेच दिया गया? मैं तो देख पा रहा हूँ जो पीड़ित परिवार है वो खाता नंबर 21, जिसमें 60 एकड़ जमीन हम लोग देख पा रहे हैं कागज में, लेकिन उसके अलावा जो हम लोग को सामने दिख रहा है उसमें अभी तक 8 एकड़ जमीन इस पीड़ित परिवार का बिक चुका है। उसी के खानदान से, उसी के कुर्सीनामा से जुड़ते हुए एक और मामला आया है जो फर्जी डीड करा लिया है, इसी खाता पर फर्जी डीड करा करके भी उस दूसरा का जमीन को भी 11 एकड़ जमीन को बेच दिया है। ये सामने लोगों ने बात रखा है। हम लोग ऑनलाइन देखना चाह रहे थे, 400 मामले इस सिर्फ चैनपुर अंचल में बिका हुआ, जो म्यूटेशन हुआ है 21-22 में, तो ये बहुत गंभीर मामला है। इस तीव्र गति से यहाँ की जमीन को लोग बेच रहे हैं।
और जमीन बेच नहीं रहे, घर तक को बकस नहीं रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। सर अभी इसमें कितने दलालों का नाम आपके पास आया? सर चार पांच लोगों का नाम सामने आया है, और पूर्व में थाना में पीड़ित परिवार के लोग हैं, उनके समाज के लोग हैं, उन्होंने आवेदन दे रखा है। गांव से अभी तुरंत जाकर हम लोग थाने में बैठेंगे और उस पर क्या कार्रवाई हुई ये भी हम लोगों जानने का प्रयास करेंगे। और इंदिरा में काले टेक रहा है मगर सब जमीन जायदाद का बेच देला है, छुआ पुता का कहां पोस रख मोर पोसबो कह के देख देलो मैं इंदिरा में। और का हो रे घर में का काम लग का घर पर परिवार में के बचले हो? हमें दो गो छुआ है, हां तीन गो छुआ है और मैं भई रहा हूं, बहुत लंगड़िया हूं, घरों बेचे जी है कहन ओए, लेकिन तोरे टेक देला। हां ओए लेकिन देख देलो मैं। फिर का नाम है देवी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।